वेलकम टू मोटर रिव्यूज। और आज हम एक कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं जो कि KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन एंड KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन के दौरान होगा। सारी डिटेल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए, आपको सारी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाएगी। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन इंडिया में लॉन्च कब होगा, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन वेरिएंट में अगर ये बाइक इंडिया में लॉन्च हुआ, और इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला है, सारी डिटेल एंड कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस रिव्यू को जरूर आप एंड तक देखिए, आपको सारी और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस बाइक की मिल जाएगी। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन टोटली इंस्पायर्ड है KTM ड्यूक 200 से, जो कि 2012 में लॉन्च हुआ था। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन टोटली इंस्पायर्ड है KTM ड्यूक 390 से, जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको ज़्यादातर ये बाइक एशियन मार्केट एंड लैटिन मार्केट में देखने को मिलता है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन ज़्यादातर आपको यूरोप में तो देखने को मिलता है, बट ये बाइक एशियन मार्केट में भी अब अवेलेबल हो गया। बांग्लादेश में भी ये बाइक लॉन्च कर दिया गया है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको जो फ्यूल टैंक देखने को मिलता है 10.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको फ्यूल टैंक 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है 175 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको जो ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है 185 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको जो वेट देखने को मिलता है बाइक का 141 kg का वेट मिल जाता है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको जो ओवरऑल बाइक का वेट देखने को मिलता है 137 kg का वेट मिल जाता है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको जो टायर देखने को मिलते हैं MRF के टायर मिलते हैं इसमें। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको जो टायर देखने को मिलते हैं मेटजलर के टायर देखने को मिल जाते हैं। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको सिंपल हलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको फुली LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में इसमें आपको सिंपल डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलता है, बट KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको फुली TFT कलर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन में जो ये टॉप स्पीड जो ये बाइक जनरेट करता है 123 किलोमीटर पर आर के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाती है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन में इसमें आपको जो टॉप स्पीड देखने को मिलती है 116 किलोमीटर पर आर के हिसाब से आपको इसकी टॉप स्पीड मिल जाती है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन टोटली इसमें आपको 2020 में आउटडेटेड लुक्स प्रोड्यूस करता है ये बाइक, बट KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन बिल्कुल आपको 2020 में लेटेस्ट एंड फ्रेश लुक्स देता है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन का जो प्राइस इंडिया में है 1,62,000, बट KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन का अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करें तो ये बाइक 3,87,000 रुपीज़ का ये बाइक पड़ता है। KTM ड्यूक 125 इंडियन वर्जन टोटली मेड इन इंडिया बाइक है, बट KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन मेड इन इंडिया तो, बट ये बाइक इंपोर्ट कर दिया जाता है जिसके कारण इस बाइक के प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं। फिलहाल KTM ड्यूक 125 का किसी भी और बाइक के साथ कंपटीशन नहीं है, तो कंपनी इस बाइक की मोनोपोली बना के बैठी है और इस बाइक के कोई भी अपडेट्स नहीं दे रही। KTM ड्यूक 125 की टोटल अगर हम ओवरऑल सेल्स लगाएंगे 50% ये टोटल सेल्स प्रोड्यूस कर देता है टोटल KTM की। KTM RC 125 भी काफ़ी अच्छी सेल प्रोड्यूस करता है, उसका भी किसी और बाइक्स के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। KTM ड्यूक 125 यूरोपियन वर्जन इंडिया में कब लॉन्च होगा ये मैं आपको अब बताने वाला हूँ। KTM ड्यूक 125 जो कि यूरोपियन वर्जन है इसमें आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडिया में, क्योंकि इसका प्राइस कम रखा जाएगा। इसमें आपको न्यू LED हेडलाइट देखने को मिलेगा और इसमें आपको लेटेस्ट न्यू कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। TFT कलर स्क्रीन इसमें बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। कंपनी ने थोड़े दिन पहले ही KTM ड्यूक 250 में भी आपको जो चेंजेस देखने को मिले सिर्फ LED हेडलाइट का अपडेट दिया, इस बाइक के साथ भी आपको माइनर ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बाइक का प्राइस कितना रहने वाला और कितना प्राइस बढ़ जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक का प्राइस लगभग 10,000 से 12,000 रुपये बढ़ जाएगा और ये बाइक ऑन रोड आपको लगभग 1,72,000 इन बिटवीन इसका प्राइस रहेगा। इस बाइक का इंडिया में लॉन्च कब ड्यू है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, तो इसका लॉन्च आपको 2020 में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, इसका लॉन्च आपको मिड ऑफ 2021 देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कभी भी कोई क्वेश्चन होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।